So welcome back to my YouTube channel. So in this video, I'm going to tell you further more concept which is related to the chapter electricity. As you know, in previous class, I have told you what is electricity and its basic terms about the charges, SI unit of charge. So now in today's topic, I'm going to deal further more concept which is related to electricity. So let's get started. So look here on this whiteboard, so that I can give you the clear and brief concept of this chapter electricity. ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बताया था व्हाट इज चार्ज. ठीक है, तो इस कंसेप्ट को और थोड़े से और एलिबोरेट करते हैं, है ना. तो हम इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा तीन पार्ट में बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज बिहेवियर. चार्ज के बिहेवियर के बेसिस पे तो देखेंगे, वी कैन डिवाइड इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड वन इलेक्ट्रो डायनामिक्स and the third one electromagnetism. So these are the three basic, we can say these are the three branches of electricity which you will deal about, which you deal in detail in your higher classes. Okay, तो इस तीनों के बारे में हम लोग हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे. बेसिकली जो ट्वेल्थ है, ट्वेल्थ में बेसिकली ये तीनों के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ना है. और अगर आप और आगे मास्टर्स करते हैं तो और आगे आप इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को तीन ब्रांच में बांटा गया है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज बिहेवियर. द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन. बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज की बात होती है, चार्ज का कंसेप्ट होता है, तो बेसिकली चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को माना जाता है. ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने एटम के बारे में बताया था कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बीच में जो होता है, एक एटम है, बीच में न्यूक्लियस होता है, नाभिक, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, है ना. ये कंसेप्ट था रदरफोर्ड मॉडल का. और उसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हाईली न्यूक्लियर फोर्स, अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स से बाइंडेड होते हैं. तो बेसिकली मूवेबल कौन होता है एटम के अंदर? इलेक्ट्रॉन होता है. तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के वजह से जो होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन का मोशन डेट इज चार्ज का मोशन, और जिससे करंट पैदा होता है. ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग समझ के होंगे. ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और स्टैटिक मतलब रेस्ट, यानी इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज, इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज. यानी चार्ज जब रेस्ट में होगा, रुका हुआ होगा, तो फिजिक इलेक्ट्रिसिटी के जिस ब्रांच में, जिस पार्ट में हम ये फिनोमेना को देखेंगे, चार्ज के रेस्ट के फिनोमेना को, सो कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक. यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इट इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस एट रेस्ट. यानी जितने भी फिनोमेना होगी उसमें चार्ज क्या होगा? रेस्ट में होगा, रुका हुआ होगा, यानी चार्ज मोशन नहीं करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का वो ब्रांच जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के जितने भी फिनोमेना, लेकिन उसमें चार्ज को क्या कंसीडर करेंगे? वी कंसीडर द चार्ज एट रेस्ट, यानी रुके हुए चार्ज के बारे में. यानी चार्ज अगर फोर्स लग रहा है दो चार्ज के बीच, तो चार्ज रुका रहेगा. कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ना, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पार्टिकल या रिंग में या कहीं भी सर्कुलर में, तो ये चार्ज क्या होगा? रेस्ट माना जाएगा. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है, जो भी कंसेप्ट होगा डायपोल का, कुछ भी हो, तो चार्ज को किसको मानना है? रेस्ट में मानना है. जो सिकंड वन इज इलेक्ट्रो डायनामिक्स. इलेक्ट्रो को समझ गए, इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. ठीक है, लेकिन यहाँ जो डायनामिक्स मतलब मोशन, चार्ज मूव करेगा. चार्ज पहले रुका हुआ था, मूव नहीं कर रहा, अब उसके अंदर थोड़ी सी ताकत आ गई, अब वो मूव करेगा, मोशन में आ गया. लेकिन मोशन भी दो तरह का होता है. द फर्स्ट मोशन इज विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, यानी इसका स्पीड चेंज ना हो, डायरेक्शन भी चेंज ना हो, और दूसरा
एक्सेलरेटेड यानी स्पीड या डायरेक्शन चेंज हो, लेकिन यहाँ पे जो मोशन होगा ये होगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं चार्ज के मोशन के बारे में, लेकिन कैसा चार्ज का मोशन? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली जब चार्ज मूव करता है तो करंट बनता है, तो करंट के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे, और अलग अलग फिनोमेना हम लोग देखेंगे, रेजिस्टेंस हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है, और भी रेजिस्टेंस के जो भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं ना, ओम्स लॉ के बारे में देखेंगे, बहुत सारे इसमें फिनोमेना है। और द थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब यहाँ चार्ज पागल हो गया, चार्ज पागल होने का मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन आ गया, अब ये किसी के नहीं सुनेगा, खुले सांड की तरह भागेगा, यानी उसका स्पीड घटेगा बढ़ेगा, स्पीड में चेंज होगा तो बेसिकली वो एक्सेलरेट करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होगा? यहाँ पे चार्ज एक्सेलरेटेड होगा, यानी एक्सेलरेटेड चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेलरेटेड चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रो डायनेमिक्स चार्ज इन मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड द थर्ड वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चार्ज विच इज एक्सेलरेटेड। ये तीन ब्रांच हम इलेक्ट्रिसिटी को इस तरह से बांटते हैं, ठीक है। अब हम लोग चार्ज जब भी बात आता है, चार्ज में कुछ हम पॉइंट हम ये याद रखेंगे, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोग चार्ज के बारे में बताया था, व्हाट इज चार्ज, है ना, चार्ज एक, और हम लोग देखेंगे यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बारे में कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने, जो कि आपके न्यूमेरिकल में काफ़ी काम आएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको नोट करते हैं यहाँ पर, पार्टिकल यानी पहला इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन एंड देन न्यूट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका लिखेंगे चार्ज। चार्ज में भी दो तरह का चार्ज है, वन ऑफ फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट चार्ज एंड द सेकंड वन इज रिलेटिव चार्ज। एब्सोल्यूट मतलब इटसेल्फ खुद का, और रिलेटिव जब भी बात होगा तो किसी से कंपैरिजन किया जाएगा, यानी तुलना किया जाएगा, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे एब्सोल्यूट चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज माइनस 1.6 10^-19 कूलम होता है सी, और प्रोटॉन का यही होता है, मैग्नीट्यूड इज सेम बट नेचर इज डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बट द प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। सो क्या हो जाएगा इसका? प्लस 1.6 इंटू 10^-19 कूलम, विच इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। बट न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, इट इज न्यूट्रल पार्टिकल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए जीरो लिखेगा। ये था एब्सोल्यूट यानी खुद का, अब किसी से कंपेरिजन होगा तो रिलेटिव होगा, रिलेटिव चार्ज क्या होगा? रिलेटिव चार्ज, तो रिलेटिव चार्ज में जहाँ कंपेरिजन प्रोटॉन्स होता है, रिलेटिव मतलब जिसका चार्ज ऊपर जिसका निकालना है रिलेटिव, और नीचे प्रोटॉन का चार्ज। तो यहाँ पे हम अगर इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऊपर नीचे प्रोटॉन का, तो क्या हो जाएगा देखिए, -1.6 × 10^-19 बेटा 1.6 × 10^-19 घट के क्या आएगा? -1, देख सकते हैं -1 आएगा। यही प्रोटॉन का करेंगे तो प्रोटॉन का चार्ज ऊपर, उसी के चार्ज से डिवाइड देंगे तो +1 आएगा, और न्यूट्रॉन का तो जीरो है तो 0/0 हो जाएगा। ये था एब्सोल्यूट चार्ज और रिलेटिव चार्ज, उसी तरह से हम लोग एब्सोल्यूट मास और रिलेटिव मास समझेंगे, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके रोक सकते हैं, तो जगह की कमी के कारण हम इसको हम इरेज कर रहे हैं, ओके। तो हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट चार्ज और मास, ठीक है। तो मास देखेंगे, अभी एब्सोल्यूट देखेंगे। तो एब्सोल्यूट मास की जब बात आएगी तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10^-31 के लिए, ठीक है। बट द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.672 × 10^-27 के जी, एंड द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.674 × 10^-27 के जी, ओके। दिस इज द एब्सोल्यूट मास। नाउ आई एम टेलिंग यू द व्हाट इज रिलेटिव मास। सो यहाँ लिखेंगे रिलेटिव मास, रिलेटिव मास, रिलेटिव यहाँ भी प्रोटॉन के मास से कंपेरिजन होगा, तो ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर, दैट इज 9.1 × 10^-19
-31 divided by mass of proton 1.672 into 10 to power -27. So after solving this division, we get approx 1/1837. This is 1837 times इलेक्ट्रॉन का मास जो प्रोटॉन से कम होता है क्योंकि 1 आया रेसिप्रोकल, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है. दिस इज द स्मॉलेस्ट वन अमंग दिस थ्री, सबसे छोटा इन तीनों में. और प्रोटॉन को उसी के मास से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, ठीक है. और न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अप्रॉक्स सेम है, इसका भी लगभग डिवीजन के बाद 1 ही आएगा. तो दीज आर द एब्सोल्यूट चार्ज, एब्सोल्यूट मास, रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव मास कंसेप्ट. ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे. So briefly I tell you what is I tell you today. So first of all I tell you what is about electricity branches, about that by behavior of charge we can divide electricity into three branches. The first one electrostatics, second one electrodynamics, and the third one electromagnetism. Electrostatics, charges at rest. Electrodynamics, charge in moving but with constant velocity. The electromagnetism, charge is accelerating. और आफ्टर दैट आई टेल यू अबाउट एब्सोल्यूट चार्ज, एब्सोल्यूट मास, एंड रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव मास. द एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, प्लीज रिपीट विथ मी सो दैट यू के यू विल रिमेंबर. सो एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, विच इज विथ नेगेटिव साइन. एंड ऑल्सो द एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज +1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम. एंड न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, इट इज न्यूट्रल. एंड द रिलेटिव, अबाउट द रिलेटिव, इलेक्ट्रॉन के लिए -1, प्रोटॉन के लिए +1, और न्यूट्रॉन का 0. और एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³⁻¹ kg, प्रोटॉन का 1.672 × 10⁻²⁷ kg, न्यूट्रॉन का 1.674 × 10⁻²⁷ kg, एंड द रिलेटिव 1/1837 टाइम्स लेस देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन. एंड प्रोटॉन हैज रिलेटिव मास +1, न्यूट्रॉन हैज ऑल्सो 1. सो इट्स ऑल फॉर टुडे.